लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस समारोह में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सबको लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं मंगलकामना। किसी संस्थान की स्थापना जहां एक और उससे जुड़े लोगों के परिश्रम के प्रतिफल की अनुभूति करने का दिन होता है, वहीं दूसरी ओर उसके गौरव के आकलन तथा नई सोच के साथ दृष्टि एवं दिशा केंद्रित करने का क्षण भी होता है। संस्थाओं का सृजन साहस, सहयोग, समर्पण, सहिष्णुता और सतर्कता से संभव होता है। संस्थाओं की अपनी संस्कृतियां होती हैं। संस्कृतियों का सृजन परिस्थिति, पारिस्थितिकी एवं परिवेश पर आधारित होता है। महान संस्थाओं का सृजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, अतः संस्थाओं एवं संस्कृतियों को काल में बांधना उचित नहीं है, उसको संपूर्णता में देखना आवश्यक है। वर्तमान वैश्विक परिवेश बड़े परिवर्तनों का काल है। आज समाज में आर्टिफिशियल मॉडर्निटी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विमर्श प्रमुखता से चल रहे हैं। कई प्रयास बहुधा विरोधाभासी भी प्रतीत होते हैं, जैसे हम एक्सक्लूसिव भी होना चाहते हैं और हम इंक्लूसिव भी बने रहना चाहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ संस्था में एक क्षमता होती है कि वो इनमें सम्यक और उपयोगी अंतर संबंध बनाकर परस्पर विरोधी विचारों को भी सहयोगी परिणाम में तब्दील कर सके। दूर दराज के सुदूर गांव से लेकर चांद सूरज तक चलने वाला हमारा शोध कैसे भूलेख तैयार करने और मौसम का भविष्य बताकर सीमांत किसानों की मदद कर सकता है, ये पूरा देश देख रहा है। इसी प्रकार संस्थाओं की भूमिका भी मात्र पाठ्यक्रम पढ़ाने तक सीमित न होकर समाजोन्मुखी एवं जनोपयोगी हुई। इसमें शिक्षा, शिक्षण तथा संस्था की संस्कृति और प्रकृति में एक बड़ा बदलाव किया। संस्थाओं के लिए ये महत्वपूर्ण देखना महत्वपूर्ण है कि क्या वो इस बदलते समय के साथ होने वाले बदलावों के लिए तैयार हैं। संस्थाएं जब तक समाज से नहीं जुड़ेंगी तब तक वो अपनी सार्थक और सम्यक उपादेयता स्थापित न कर पाएंगी। समाज के समीचीन विषयों का संज्ञान लेकर पाठ्यक्रम निर्माण साथ ही साथ वैश्विक आकांक्षाओं और विश्व के मूल स्वरूप विषय के मूल स्वरूप और मर्यादा को स्थापित रखते हुए शैक्षणिक उत्कृष्टता पर जोर, शैक्षिक नीति निर्माण एवं उनके सम्यक संपादन एवं सम्यक निरूपण अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्शन एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जीक्यूशन ये समय की आवश्यकता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में हमने शिक्षा की उत्कृष्टता को आगे बढ़ाते हुए पूर्ण सजगता के साथ शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन करने का प्रयास किया है। इस विश्वविद्यालय के 100वें वर्ष में लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति बनना मेरे लिए निश्चय ही गौरव का विषय रहा। मैंने एक ओर इस महान विश्वविद्यालय की समृद्धि का इतिहास देखा, वहीं दूसरी ओर उज्ज्वलतम भविष्य की अनंत संभावनाओं का आकलन भी किया। विगत कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय के प्रयासों के दो प्रमुख बिंदु रहे। एक ओर समाज के हर वर्ग के लिए उत्कृष्टतम शोधपरक शिक्षा उपलब्ध हो, साथ ही यह सुनिश्चित हो कि विश्व भर में इस शताब्दी विश्वविद्यालय की पहचान, और मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसकी पहचान आयु से कम अपितु देश और समाज में इसकी उपलब्धियों एवं योगदान से ज्यादा हो। विश्वविद्यालय की व्यवस्था सभी हितधारक हमारी कार्य योजना के घटक हैं, जिसके मूल में हमारे छात्रों की भूमिका है। विश्वविद्यालय में हम सबको इस बात का भी एहसास है कि प्रदेश की राजधानी में स्थित उच्च शिक्षा का यह उत्कृष्ट केंद्र सिर्फ आत्ममुग्धता के भाव में नहीं रह सकता। हम सब इस दायित्व बोध से बंधे हैं कि प्रदेश व देश के अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए भी हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है। लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह पूरे राष्ट्र को अपनी गरिमा और श्रेष्ठता से अभिसिंचित करे। हमने फॉलोअर होने की जगह इनिशिएटर होने का प्रयास किया। आए हो निभाने को किरदार, जब किरदार जमीन पर कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। कुछ उपलब्धियों की चर्चा निश्चय ही मैं करना चाहूंगा।
और मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन सुनिश्चित करने वाला लखनऊ विश्वविद्यालय पूरे भारत का पहला विश्वविद्यालय, पूरे प्रदेश में नैक में सर्वोत्कृष्ट ग्रेड प्राप्त करने वाला लखनऊ विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय बना, NIRF, QS और टाइम्स हायर एजुकेशन जैसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के द्वारा मूल्यांकन का हमने हमेशा स्वागत किया और उसमें भी सफलता प्राप्त करने वाला लखनऊ विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय। सामान्य श्रेणी यानी रेगुलर कैटेगरी में ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा देने वाले भी हम प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन रहे हैं। नीति आयोग से लेकर शिक्षा मंत्रालय, UGC जैसी नीति नियंत्रण संस्थाओं को नीति निर्धारण में आज विश्वविद्यालय अपनी सम्यक भूमिका का निर्वहन कर रहा है। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो चाहे 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, PhD ऑर्डिनेंस विद लॉट्स ऑफ इनोवेशन इंक्लूडिंग पार्ट टाइम PhD जैसी नीतियों के निर्धारण में लखनऊ विश्वविद्यालय ने पायनियरिंग कार्य किया जिसका देश के कई भागों में व्यापक विमर्श और अनुपालन भी हुआ। छात्र केंद्रित प्रयास जैसे कॉफी विद VC, VC केयर फंड, स्टूडेंट OPD जैसी अन्य मेंटरिंग स्कीम्स पर भी देश व प्रदेश के तमाम संस्थाओं में विस्तृत विमर्श हुआ और इसको व्यापक स्वीकृति प्राप्त हुई। रिसर्च प्रमोशन पॉलिसी, कंसल्टेंसी पॉलिसी इत्यादि के भी आशातीत परिणाम प्राप्त होने शुरू हो गए। पारदर्शी व्यवस्था के अधीन 200 से ज्यादा शिक्षकों की भर्तियां हो चुकी हैं जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में एक विकास की बयार बही। लखनऊ विश्वविद्यालय एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है लेकिन इसको पूर्णता प्रदान करने के लिए ये महसूस किया गया यहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस, मेडिकल साइंस और परफॉर्मिंग आर्ट्स इन 3 अतिरिक्त विषयों की पढ़ाई आवश्यक रूप से की जाए। एग्रीकल्चर की फैकल्टी का सृजन हमारी व्यवस्था में किया जा चुका है, प्रदेश सरकार इसके लिए जमीन देने का प्रयास कर रही है। किसी समय किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के रूप में विश्वविद्यालय के पास अपना एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था जो अब अलग अस्तित्व में है। इसके लिए 3 वर्ष पूर्व हम लोगों ने एक अल्टरनेटिव मेडिसिन का अलग संकाय सृजित किया। अब आप सबका सहयोग इसी तरह प्राप्त हो रखता रहा तो जल्द ही हम एक पूर्ण रूपेण मेडिकल फैकल्टी स्थापित कर पाएंगे। परफॉर्मिंग आर्ट्स एक ऐसी विधा है जो अत्यंत तेजी से विकसित हो रही है, छात्रों के सस्टेनेबल सक्सेस में भी इसकी बड़ी भूमिका है। इसकी स्थापना का प्रयास भी शुरू किया जा चुका है। विश्वविद्यालय का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक्सपेंशन साथ ही साथ किए जाने का प्रयास हो रहा है लेकिन ये आप भी जानते हैं और मैं भी कि ये सिर्फ कुछ लोगों के प्रयास से संभव नहीं हो सकता। मैं आप सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि विश्वविद्यालय को उसकी भविष्यगामी योजनाओं में सहयोग प्रदान करें जिससे इसे मूर्त रूप दिया जा सके। मैं यह जानता भी हूं और मानता भी हूं कि एक परफेक्ट विश्वविद्यालय व्यवस्था ये विकासशील प्रक्रिया है, ये विकसित प्रक्रिया नहीं है। हम सब विकास के सतत प्रयास में हैं। हमारा विश्वास है कि निराशावाद से मुक्ति विकास के सफलता की ओर अग्रसर करती है और ये अत्यंत प्रसन्नता देती है। मानव के साहसी अभियान का फल प्राप्त होना तय होता है। श्रीमद् भागवत में निर्दिष्ट है, अनिर्वेदो सततम सर्वो सर्वाधेषु प्रवर्तक करोति सफलम जंतु कर्म यच्च करोति सः। विश्वविद्यालय के सम्यक विकास के लिए यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों से मेरा आग्रह है कि आपका यथेष्ट सहयोग अति आवश्यक है। आप सबके विचार, सुझाव, सहयोग विश्वविद्यालय के नीति निर्माण में हमेशा की तरह अपना योगदान करते रहेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। आखिर में मैं दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां जरूर सुनाना चाहता हूँ। जो लोग इस सभागार में बैठे हैं और इस विश्वविद्यालय को जानते हैं और जीते हैं वो इसका अर्थ समझ पाएंगे क्योंकि दुष्यंत कुमार जी ने ही लिखा था कहीं, मुझको ईसा बना दिया तुमने, अब शिकायत दुखी नहीं जाती। मेरी स्थिति कदाचित यही है इसलिए वो पंक्तियां हैं, मैं फिर जन्म लूंगा, मैं फिर इसी जगह आऊंगा, इस समूह में
इन अनगिनत अनचिन्ही आवाजों में कैसा दर्द है कोई सुनता नहीं, पर इन आवाजों को और इन कराहों को दुनिया सुने ये मैं चाहूंगा। मेरी तो आदत है रोशनी जहां भी हो उसे खोज लाऊंगा। 130वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबको पुनः बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।